हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में सब लोगों का स्वागत है। और अभी सुबह के 10 बजे हैं, इसलिए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आई होप कि सब लोग अपने घर में ही होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, घर में ही रहिए। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये जो सेकेंड वेव चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। आपने अभी तक न्यूज़ चैनलों में या इधर उधर से खबरें सुनी ही होंगी, इसलिए घर से बेहतर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो घर में ही रहिए और अपना जो भी काम है आप वो करते रहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। और ख़ास करके एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी काम है वो तो घर से बेटर कहीं हो नहीं सकता। उसके लिए तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल सारे चीज़ आपको जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, मैं जो अभी आपको आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी जस्ट लाइक ऑनलाइन ही है। आप जब चाहें तब वीडियो लेक्चर्स को ओपन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी जेई एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग का दो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक है स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोग अभी कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का, दूसरा है सर्कल। अगर आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इसमें आपको प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन सर्कल को अच्छे से पढ़ना है। जहाँ तक डिप्लोमा का सिलेबस का सवाल है, स्ट्रेट लाइन में बहुत कम कंटेंट है जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। फिर भी मैंने सब लोगों से कहा है कि अगर आपको नॉलेज के लिए स्ट्रेट लाइन को बूस्ट करना है, स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छा करना है, तो आप एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कंटेंट जो है उसको पढ़ लीजिए, आपको आगे चल के हेल्प करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के टॉप, स्ट्रेट लाइन में जितने सारे भी कंटेंट है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए कंटेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आप जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो पेन लिया है और ये दोनों पेन जो है आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही दो पेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है। एक एंगल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दूसरा एंगल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। तो एक एंगल आपको एक्यूट दिखाई पड़ रहा है, दूसरा एंगल आपको ऑब्ट्यूज दिखाई पड़ रहा है। मतलब व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वी विल गेट एंगल बिटवीन देम। ठीक है, एंड वन ऑफ द एंगल इज एक्यूट एंगल एंड अदर एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। सीधा सवाल पूछेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लीजिए एक 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरा 150 होगा, तो दोनों में से कुछ भी बता दीजिएगा तो बन जाएगा। तो एंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहेगा एंगल बाइसेक्टर। एक पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द टू लाइंस। तो इसके बीच में भी दो लाइन होगा, तो एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ होगा, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ होगा। तो इस केस में ये मेंशन नहीं करना है कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे दो को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, दोनों आंसर दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो उस केस में आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि दो में से कौन एक्यूट है और दूसरा जो है, मतलब एक एक्यूट है और दूसरा जो है ऑब्ट्यूज है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये तीसरा सवाल एक पूछता है कि फाइंड द ओरिजिन साइड बाइसेक्टर, मतलब वो बाइसेक्टर जो ओरिजिन के क्लोज से होकर गुजरा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन साइड बाइसेक्टर। ठीक है, तो तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं एंगल बाइसेक्टर्स में। एक सिंपली पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, दूसरा फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और तीसरा पूछेगा फाइंड द ओरिजिन साइड बाइसेक्टर। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अभी के डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि टॉपिक्स क्या है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन पता करना है। तो एंगल बाइसेक्टर तभी ना होगा जब एंगल होगा, और एंगल कब होगा, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अभी जो है हम कंसिडर करने जा रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन जो कि इंटरसेक्टिंग है, मीन्स दोनों कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो यहां हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस।
दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का सेलेक्ट कर लिए, क्या क्या, एक लाइन ले लो L1 जो कि है आपका A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा लाइन ले लो L2 जो कि है आपका A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब सिचुएशन इस तरह का होगा, आप देख सकते हैं ये है। एक लाइन है L1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा लाइन है L2 इज इक्वल टू। अब यहां पे हमको चाहिए एंगल बाइसेक्टर, तो आपको बता दें कि जब इन जनरल वे व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट्स वी गेट टू एंगल्स इन बिटवीन देम, वन मस्ट बी एक्यूट एंगल एंड अदर मस्ट बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो होता यह है कि एक एक्यूट बनता है, एक आपको दिख रहा होगा एक्यूट बन रहा है, और दूसरा जो है आपका ऑब्ट्यूज बन रहा है, ठीक है। तो दोनों का बाइसेक्टर, नाम से ही स्पष्ट है, बाइसेक्टर मतलब एंगल को बराबर बराबर दो भाग में बांटने वाला लाइन। इसका मतलब एक लाइन ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वो लाइन है जो कि एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और दूसरा लाइन जो है, दूसरा लाइन ये हो जाएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और आपको बता दें एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एक लाइन यहाँ हो गया, एक लाइन यहाँ हो गया, एक L बराबर जीरो हो गया और दूसरा L डैश बराबर जीरो हो गया। L1 और L2 जो है दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, जब दोनों इंटरसेक्ट किया तो एंगल बनाया, और जैसे ही एंगल बनाएगा तो उसका बाइसेक्टर्स होगा, तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ये दोनों का इक्वेशन हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग एक ज्योमेट्री का यूज करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री क्या कहता है कि एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से, मान लो कि पी पॉइंट है, और वो पॉइंट जो है कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पी के जगह में x1 y1 नहीं मान करके x, y मान लिया। अगर हम x1 y1 भी मानेंगे तो बाद में हमको रिप्लेस करना पड़ेगा x, y, क्योंकि इसका हमको लोकस निकालना है, ठीक है। एक वर्ड आया लोकस, मैं आपको लोकस के बारे में भी डिस्कस करूँगा अगले कुछ लेक्चर्स में। लोकस क्या होता है? लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाई ए वेरिएबल पॉइंट। सिंपली पूछे कि व्हाट इज लोकस, यू कैन से लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए वेरिएबल पॉइंट, मतलब कोई भी वेरिएबल पॉइंट है उसके द्वारा जो पाथ ट्रेस किया हुआ होगा, मतलब वो वेरिएबल लाइन जिधर जिधर से होके गुजरेगा वो जो पाथ ट्रेस करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लोकस। अब बताइए ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये इसी लाइन में गुजरेगा, तो ये जो इस पॉइंट का जो लोकस होगा ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होगा, और यही स्ट्रेट लाइन मेरा क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और इस पॉइंट का खासियत है कि ये पॉइंट अगर इस पॉइंट से दोनों गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर फॉल करा दे, ठीक है, दोनों लाइन पर, L1 पर भी और साथ ही साथ L2 पर भी, तो एक यहां पे हो जाएगा M और यहां हो जाएगा आपका N। मैंने क्या किया कि P एक वेरिएबल पॉइंट है, और P वेरिएबल पॉइंट से हमने क्या किया कि गिवन टू लाइंस पर परपेंडिकुलर फॉल करा दिया, एक हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर N। ज्योमेट्री कहता है कि ये दोनों जो लाइन होगा, ये दोनों जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों आपका सेम हो जाएगा, ये दोनों आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में P वेरिएबल पॉइंट जिस भी पाथ को ट्रेस करेगा वही पाथ आपका, वही लोकस, वही पाथ आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जो कि आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से अगर आप दोनों स्ट्रेट लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस वो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स होगा वो दोनों सेम हो जाएगा। दिस इज द ज्योमेट्री, ठीक है। ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्री वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। लेकिन हमने कहा कि सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स नहीं पूछेगा, आपको यह भी पूछेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताओ, ओरिजिन साइड बाइसेक्टर बताओ। तो हम लोग ये पहले से डिस्कस करके चल रहे हैं कि तीनों चीज़ हमको साथ में निकालना है। तो यहाँ करते क्या है, फिगर तो आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा।
ठीक है, फिगर तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से वर्कआउट करते हैं, मतलब मैथमेटिकल अप्रोच लेते हैं। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर C1 C2 पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में C1 C2 जो भी स्ट्रेट लाइन है यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2 अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले आप पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, क्योंकि जो हम फंडा यूज करने जा रहे हैं, जो हम ट्रिक यूज करने जा रहे हैं, उसमें C1 C2 को पॉजिटिव लेना मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, अगर ये मैंडेटरी है आपका मैंडेटरी, ठीक है, ये मैंडेटरी है, मतलब ये जरूरी है कि आपको C1 C2 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव है therefore लाइंस क्या हो जाएगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल जीरो, दूसरा हो जाएगा A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल जीरो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि PN इज इक्वल टू PM हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे PN पहले लिख लो, PN इज इक्वल टू PM हो जाएगा। मतलब इस P पॉइंट से दोनों पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा L1 L2 पर, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब PN और PM मतलब किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमको पता है, तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम x, y को इस L1 पर सेटिस्फाई करेंगे तो यही चीज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा दैट इज, अर्थात कितना हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 का मॉड डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपको बता दें कि अगर दोनों तरफ मॉड रहे तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ से मॉड हटाइए और किसी एक तरफ प्लस माइनस का साइन डाल दीजिए। तो यहाँ से देयरफॉर ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस, ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है, डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर रूट। ये जो आपको दिख रहा है, एक बार प्लस साइन लीजिएगा एक बार माइनस साइन लीजिएगा तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे और यही दोनों स्ट्रेट लाइन आपको क्या देगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर्स। अगर आपको सीधे सीधे पूछे कि इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर्स बताइए तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे द अबव टू इक्वेशंस आर इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर्स आर इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर्स द अबव टू इक्वेशंस आर एंगल बायसेक्टर्स एंगल बाई सेक्टर्स। अगर आपको सीधा पूछे कि सिर्फ एंगल बाय सेक्टर्स बताइए तो आप यहां से बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि एंगल बाय सेक्टर्स तो बताना ही बताना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि नहीं एक्यूट एंगल बाय सेक्टर चाहिए और ट्यूज एंगल बाय सेक्टर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और आप इजी वे में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा वाला लाइन, कौन सा वाला इक्वेशन जो होगा वो एक्यूट होगा और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज होगा। तो लेट अस सी द ट्रिक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हेलो फ्रेंड्स, तो ट्रिक यहां है, देखिए एक चार्ट में बनाता हूं, इस चार्ट को आप याद रखिए, ठीक है। एक है यहां पे कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन है, दूसरा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अगला है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ट्रिक क्या है, A1 E2 प्लस B1 B2, ये A1 E2 B1 B2 कब करना है, जब आप C1 C2 को पॉजिटिव मान रहे हैं,
अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाइए, उसके बाद जो A1 A2 B1 B2 होगा उसको यहाँ पे लेना है। तो कहता है कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव वाला साइन आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये जो नेगेटिव साइन है ये साइन आप यहाँ देख सकते हैं, तो नेगेटिव साइन इस केस में कंसिडर कर लेंगे तो जो भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगा वो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो अगर इस केस में नेगेटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दिया तो पॉजिटिव वाला साइन क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे देगा। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट अगला, कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव वाला साइन जो है एक्यूट एंगल देगा और नेगेटिव वाला साइन जो है आपको क्या कर देगा, ऑब्ट्यूज एंगल दे देगा। ठीक है, तो कैसे ट्रिक याद रखना है, ट्रिक ये कितना आसान है, A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला साइन एक्यूट एंगल देगा, मतलब सिर्फ इतना याद रखते हैं तो बाकी देखिए हर जगह अल्टरनेट है, तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव तो माइनस साइन गिव्स द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, बाकी अब जगह हर जगह आप देख सकते हो ये क्या है, अल्टरनेट है आपका। एक नोट और लिख रहे हैं हम, नोट क्या है, नोट कि पॉजिटिव साइन हमेशा ओरिजिन साइड बाइसेक्टर देता है। मैंने ये भी पूछा कि आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज ओरिजिन साइड बाइसेक्टर, या फाइंड द इंफॉर्मेशंस या गिव द इक्वेशन या राइट द इक्वेशन ऑफ ओरिजिन साइड बाइसेक्टर, मतलब कुछ भी लैंग्वेज हो सकता है। तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव साइन गिव्स ऑलवेज ओरिजिन साइड बाइसेक्टर, ऑरिजिन साइड बाइसेक्टर, क्लियर। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स दो होगा, एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा जो होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर सिंपली अगर पूछे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालिए तो यहाँ से दे सकते हैं, अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो इस चार्ट का हेल्प ले सकते हैं, अगर आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिन साइड बाइसेक्टर बताइए तो यहाँ से बता सकते हैं। एक नोट और लिख लीजिए, ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 हो गया, क्या, बाइसेक्टर्स आर एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा, क्लियर। तो ये रहा, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट विच ईच अदर, क्लियर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसको करने के बाद आपका कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे विश्वास है। तो लेट अस सी सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हेलो फ्रेंड्स, एक रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। इसमें आपसे सीधा सीधे पूछा जा रहा है कि सिर्फ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बताइए, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए, सिंपली क्या पूछ रहा है, सिंपली राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। तो इसमें कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव नहीं भी करिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो भी आएगा आपका वो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहूंगा कि एक आदत बनाइए, आदत क्या बनाना है कि एक्यूट एंगल पूछे या ना पूछे, ऑब्ट्यूज के बारे में पूछे या ना पूछे, हमेशा कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना के चलते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में भी वो टेंडेंसी रहती है कि मिस्टेक ना हो। अगर होता यह है कि अगर मान लें कि इस चीज़ में मैं छोड़ दूँ और अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाले में मैं करूँ तो मतलब हमेशा एक ऐसी बातें हो जाएगी कि कहीं हमको करना है कहीं हमको नहीं करना है।
तो हमेशा कीजिए, हमेशा C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए, चाहे क्यूट पूछे ऑब्टूस पूछे ना पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पूछेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं भी पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं और जो दो स्ट्रेट लाइन है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाते हुए लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन स्ट्रेट लाइन्स, क्या क्या है, तो एक है आपका 3x प्लस नहीं बल्कि माइनस 4y प्लस 7, ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव था बट इसमें नेगेटिव है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि मैंने C1 C2 दोनों को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, तो फ्रॉम ज्योमेट्री आप चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं बगल में, ठीक है, इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हैं। तो एक लाइन हो गया आपका L1, दूसरा लाइन हो गया L2, ठीक है। तो ये हो गया मान लो L1 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन हो गया L2 इज इक्वल टू 0, यही एक बाइसेक्टर होगा, दिस इज बाइसेक्टर, हालांकि दो होगा बट आप एक ही बाइसेक्टर दिखाइए, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, L1 यहाँ हो गया M, ये हो गया N, परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री दिखाओ, यहाँ 90 डिग्री दिखाओ, ये पॉइंट P हो गया, कोऑर्डिनेट x, y हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम ज्योमेट्री क्या लिख सकते हैं, तो ये ना लिखेंगे PM इज इक्वल टू PN। चलिए तो दिस इम्प्लाइज PM मतलब P से M, मतलब P से L1 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PN, मतलब P से L2 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x, मॉड भी हटा सकते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 12x 144 प्लस 25 169, तो ये हो जाएगा 13, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 39x 52y माइनस प्लस 91, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस 60x माइनस 25y प्लस 10, ठीक है, टेक पॉजिटिव टेक नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर, क्या क्या हो जाएगा, तो एक बार जो है प्लस साइन ले लीजिए, तो जैसे ही प्लस साइन लेंगे तो ये माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 699, तो 99x, जैसे ही प्लस साइन लेंगे तो ये माइनस 25 है, तो माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 27y, और जैसे ही प्लस साइन लेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस 10 इधर आ जाएगा, तो माइनस प्लस 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव वाला ले लो, जैसे ही नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 60, इस 39 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा 21x, जैसे ही नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव 25, तो ये 25y प्लस में और ये उधर जाएगा, तो 25 प्लस और 52 भी प्लस, 25 और 52, 77, तो ये हो जाएगा प्लस 77y, ठीक है। और जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे तो ये माइनस 10 और ये इधर आ गया आपका, तो हो जाएगा माइनस 101, माइनस 101 इज इक्वल टू 0। इस चाहे तो ऊपर वाले में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही दोनों क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स हो गया, ये बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसको एक बार गौर से देखिए, फिर मैं एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अप्रोच आपको पता है, मेथड्स आपको पता है, मैंने आपको कहा कि C1 C2 को हमेशा पॉजिटिव करने का आदत बनाइए, इससे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा आपका, चाहे एक्यूट ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर पूछे या ना पूछे, हमेशा C1 C2 को पॉजिटिव बनाते ही चलते हैं, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल।